नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह जी। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा, इंडिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ अभी 1.5 वर्ष पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल महाराज जियों से 1994 के अंदर उपदेश लिया था संत रामपाल महाराज जियों से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या कोई आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं 10 वर्ष गुरुकुल में पढ़ा हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। हमारा सारा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे भाई बहन, सारा परिवार आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और मैं भी उन्हीं के संपर्क में रहकर और आर्य समाज के द्वारा बताए गए मार्ग से ही अपनी भक्ति और समाज सुधार की बातें करते थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल महाराज की शरण में, संत रामपाल महाराज जी जब जेई की नौकरी करते थे रोहतक के अंदर, तो हमारे एक साथी थे, उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ ड्यूटी करते थे पुलिस में। तो वो पहले तो महेंद्र जी हनुमान जी की पूजा करते थे और फिर एक दिन बोले वो मेरे को, बोला भाई कबीर साहब सबसे बड़े भगवान हैं। मैं बोला भाई कल तक तो तुम हनुमान जी को बड़ा बता रहे थे, आज कबीर साहब को बड़ा बताने लगे, ये क्या चक्कर है? मैंने उनको समझाया कि आर्य समाज अच्छा समाज है और उसमें लिखा है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोय, और जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। तो वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते थे, तो वो कहते थे कि हमारे भाई साहब आएंगे जय साहब, संत रामपाल महाराज जी को उस टाइम जय साहब कहते थे, तो क्योंकि वो नाम दीक्षा संत रामपाल महाराज जी उन दोनों नहीं देते थे, बड़े महाराज जी थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्हीं से नाम दीक्षा दिलवाते थे। तो संत रामपाल महाराज जी से शरण माने के बाद उन्होंने कबीर साहब के मार्ग को हमारे को समझाया, छुड़ानी धाम भी ले कर गए, तो हमारा समझ में आया कि ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। तो हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लिया और उनकी शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, जिस दिन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होते हुए हमें थोड़ी थोड़ी लत पड़ गई थी नशे की, शराब वगैरह एक आध बार कभी कभी सेवन कर लेते थे बार त्यौहार को, एक तो वो मेरी बिल्कुल छूट गई, और कभी भी किसी भी प्रकार का जब से 94 में संत रामपाल महाराज जी से हम जुड़े, उसके बाद कभी भी शारीरिक व किसी प्रकार की भी कठिनाई कभी महसूस होने नहीं दी परमात्मा ने, और अच्छे से सारा काम होता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा सरकार में, छोटी लड़की है वो सुपरवाइज़र है, लड़का है वो एग्रीकल्चर में है, तीनों सरकारी जॉब में हैं। ये सिर्फ संत रामपाल महाराज जी की ही विशेष दया है कि एक पुलिस वाले के बच्चे जो पुलिस सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, अगर हम संत रामपाल महाराज जी की शरण में कबीर साहब के बताए हुए भक्ति मार्ग पर नहीं चलते तो शायद आज हम कहीं और ही होते और बहुत पीछे रह जाते। अब हमें विश्वास भी है कि हम सही मार्ग पर और सही चल रहे हैं, और संत रामपाल महाराज जियों के साथ रहते हुए मेरे को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि सन 2006 के अंदर मिला था। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसा कि आपने बताया आप सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, आप संत रामपाल जी महाराज से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और आर्य समाजी भी रहे हैं, तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पे और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणी करते हैं, सर इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? वो विवादित टिप्पणी नहीं करते। संत रामपाल महाराज जी ये कहते हैं कि भाई जो वेद, स्वामी दयानंद जी भी खुद मानते हैं कि भाई जो वेद में लिखा है वो सत्य है और असत्य है, तो संत रामपाल महाराज जी ने वेदों से और गीता से सत्यार्थ प्रकाश को मिलाया है, सिर्फ इतना ही वो है अलग है कि उन्होंने परमात्मा को निराकार लिख दिया, प्रकाश रूप लिख दिया, सर्वव्यापक लिख दिया स्वामी जी ने, और कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है, हमारे वेद और गीता कहते हैं और उनके मंत्र बता दिए। तो ये आर्य समाज के हमारे कुछ भाई बातें तो सुनते नहीं, जो अपने तो इन्होंने वेद पढ़े, न इन्होंने गीता पढ़ी, स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया और उस पर विश्वास करते हैं कि जो स्वामी जी ने लिखा है वो सत्य है, लेकिन स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में पहले लिख दिया था
और डेढ़ वेद का ट्रांसलेशन बाद में किया है। तो संत रामपाल महाराज जी ने ये वेद तो 2002 में और 2003 के बाद इनको पढ़ा और उस ज्ञान को समाज के अंदर लाए कि भाई वेदों में और गीता में परमात्मा निराकार नहीं है, सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है, हम उसको देख सकते हैं और वो अपने स्थान पर विराजमान भी है, अपने आसन पर सतलोक सचखंड के अंदर। सर इतना ही मनमुटाव था, उसको थोड़ा हा समझदार लोगों ने समझना चाहिए था भाई ये संत हैं और सत भक्ति बता रहे हैं, कोई बुराई नहीं बता रहे, बस वो मनमुटाव की वजह से ये समाज में मीडिया ने आप जैसे लोगों ने सच्चाई तो बताई नहीं और वो बुराई का प्रचार कर दिया सरकार के दबाव में आकर, उससे ये संत रामपाल महाराज की सभी आलोचना करने लगे, जो एक बहुत बड़ी गलती थी मीडिया द्वारा प्रचार गलत किए होगी। सर आप हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज पे आरोप लगते रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज विवादों में रहते हैं, सर क्या कारण है? देखो कोई भी संत अगर सच्चाई बोलेगा तो उस पर विवादों की टिप्पणी होती है। कबीर साहब भी सच बोलते थे, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया हमारे समाज ने, गरीबदास महाराज जी भी ऐसे ही सच्चाई बोलते थे, उनको भी ऐसे ही व्यवहार किया, नानक साहब को भी बाबर की जेल में 2 वर्ष रहना पड़ा था, उन्होंने भी सच्चाई बोली थी, ईसा मसीह को भी हमारे लोगों ने क्रिस कर दिया था और आज 80% विश्व की जनता उनको मानती है ईसाई धर्म को। तो जब संत आते हैं तो तब तो हम उनकी बुराई करते हैं, श्री कृष्ण जी आए तब उनकी हम बुराई करते थे, श्री रामचंद्र जी आए जब उनकी हम बुराई करते थे, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के चला गए तब उनको हमने भगवान माना, अब उनकी पूजा करते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी अब शरीर में हैं, इनका हमने लाभ उठाना चाहिए, ये सत भक्ति बता रहे हैं, इनकी पुस्तकें पढ़ो, इनके सत्संगों में चैनल आते हैं, विभिन्न चैनलों में वो सत्संग सुनो और अपना आत्म कल्याण कराओ, इससे समाज का सुधार भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। और रही सरकार की बात, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अपना नियम बना रखा है, संत रामपाल महाराज जी दहेज रहित बहुत सारी शादियां करा चुके हैं जिनमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो सही मायने में बगैर पैसे खर्चे समाज सुधार का काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, बहुत सारे परिवारों के नशे की लत पड़ी हुई थी वो छुड़वा दी, हुक्का बीड़ी शराब मांस मीट अंडा सभी छुड़वाते हैं, सभी तरह के नशा मुक्त एक समाज तैयार बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे संत की सत्संग सुनने में कोई बुराई नहीं है और हमने सुनना चाहिए। सर कुछ दर्शक कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो उन्हें अपनी पारंपरिक पूजाएं छोड़नी पड़ेगी, क्या इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई है? जो सच्चाई उसमें इतनी है कि जो वेदों में और गीता में जो भक्ति लिखी है हमने वही करनी चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। हमने जानबूझकर छोटी मोटी किसी ने बहका दिए, परमात्मा के भक्ति मार्ग को मिसगाइड कर दिया कुछ लोगों ने, अपने पेट भरने के लिए पेट भरने का साधन बना लिया भगवान की भक्ति को, और जो मिसगाइड होकर वो भक्ति हम कर रहे हैं उसको उस बुराई को छुटवाते हैं महाराज जी, किसी देवी देवताओं की जो हमने मनमुखी साधनाएँ बना रखी हैं उनको छुटवाते हैं। वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार जो और संत कबीर साहिब के अनुसार पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो करवाते हैं वो ठीक है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं और उन सत्संगों के नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं, उन मोबाइल नंबरों से हम संपर्क कर कर अपने क्षेत्र के जो भी नामदान केंद्र परमात्मा ने खोल रखे हैं संत रामपाल महाराज जी ने पूरे देश में जगह जगह देश विदेश में, तो उन नंबरों पर फोन करके और हम अपने नज़दीकी नामदान केंद्र सेंटर का पता करके वहाँ से नाम ले सकते हैं। सर जो दर्शक श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं खास करके आर्य समाज के लिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो इतने भी आर्य समाज के हमारे भाई हैं, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको किसी के बहकावे में आकर, मीडिया के बहकावे में आकर या सरकार के दबाव में आकर या कोई अपनी मान बढ़ाई समझ के कि संत रामपाल महाराज तो संस्कृत नहीं जानते, कल तक जेई की नौकरी करते थे वो संत कहाँ से हो गए, अपने अनमोल जीवन को खराब नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुनो समझो, ये आत्म कल्याण का मार्ग है और समाज सुधार का भी मार्ग है, इसमें दोनों काम होंगे, समाज सुधार होगा और आत्म कल्याण भी होगा। तो मैं सभी आर्य समाज के भाइयों से और सभी समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके सत्संग सुनो और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, और आप आत्म कल्याण कराओ, अपने परिवारों को सुखी बनाओ, अपने बच्चों को सद्मार्ग पर लगाओ, जितने भी हमारे आर्य समाज के भाई हैं आज
पहले जो बुजुर्ग थे वो तो कुछ ठीक थे, लेकिन आज जितने आर्य समाज को कहने वाले भाई हैं उनके सभी के बच्चों में बीड़ी का, हुक्के का, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है, और वो सिर्फ संत रामपाल महाराज जी की भक्ति मार्ग से ही, सत्संगों से ही छुड़ाई सकते हैं अपनी बुराई को, नहीं तो ये मनुष्य जन्म में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सत साहिब।